मेरा तो ये कितने दिन से चल रहा है। मेरा देखो दुबई का नंबर में, दुबई में भी चला, यूएस में भी चला, सब जगह चलेगा वो पैकेज। बाद में जब इधर आया ना, इधर आने के वो जब तुम दूसरे मोबाइल में ऐप डाउनलोड करोगे ना व्हाट्सएप, तब मांगता है मोबाइल में सिम डालोगे। हां इसमें नहीं करेगा। बाद में क्या क्या माना भाई, जब इधर आया ना मैं एक दिन होटल में अपना था ना, उधर क्या तो चला वो किसी दूसरे ने नंबर ले लिया, मेरा नंबर है ही नहीं, बैंक से बिना फाइव किसी ने मतलब किया वो तो ऑटोमेटिक तो गया, चेंज हो गया। अभी बोल रहे हैं घर में आ रहे तुम्हारा नंबर किसी दूसरे का, मतलब कि दूसरे का हो गया। तो मैं तब क्या मैं बोला एक नंबर दो घर से, नंबर दिया बाकी तुम चेंज किए घर से, वो नंबर गया। मैं बोला तुम्हारे नंबर के एक फोटो दिया है, ओटीपी आता ओटीपी, तो मैं बोला वो कोड ले लो और कोड मुझे दे दो। देखो मैं इससे कर रहा हूँ फेसबुक से मैसेंजर में दे रहा हूँ मैसेज, तो ओटीपी लिया घर से, ओटीपी भेजा, मैं ओटीपी डाला, इधर एक्टिव हो गया है मेरा ये नंबर। अभी जो इंडिया के नंबर है हमारा जिसको व्हाट्सएप चल रहा है, वो एक्चुअली अगर रिचार्ज वगैरह नहीं करवाओगे ना आप, हाँ बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा, दो महीने में बंद हो जाएगा। हाँ तो बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली नहीं आना व्हाट्सएप भी बंद होगा। नहीं नहीं व्हाट्सएप नहीं बंद होगा, व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप तो तुम्हारा जो नंबर है बस उसे दूसरे मोबाइल में तुम सिम डालोगे ना तो तुम्हें ओटीपी चाहिए रहता है भाई, ये समझो। हाँ, नहीं तो तुम्हारा वो नंबर से चलता रहे। कितना साल हो गया, मैं 2015 में किया, अभी 4 साल हो गया वो दुबई का नंबर ही चल रहा था, इधर आ गए तभी चेंज किया, कंट्री चेंज किया मैंने, चेंज हो गया। लेकिन मैं वही नंबर यूएस में भी एक्टिव किया था 3 साल। लेकिन